वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नेहा रानी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लाई हूँ एकदम सिंपल सा और हल्का वेयर में साड़ी, जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और मैं ऑनलाइन ली हूँ या ऑफलाइन, आप लोग को आगे पता चलेगा। लेकिन पता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा साड़ी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एकदम हल्का और एकदम रेगुलर यूज में आप लोग जैसे मन चाहे वैसे पहन सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं और इसका मैं आप लोग को अच्छे तरीके से, अगर फर्स्ट पार्ट में नहीं हो पाया तो मैं आप लोग को सेकंड पार्ट भी शेयर करूंगी बहुत जल्द। तो पहले ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाया करूंगी हमेशा हमेशा, ठीक है। तो चलो मैं चलती हूँ, आप लोग के लिए फर्स्ट साड़ी मैं दिखाती हूँ जो कि आप लोग को अच्छी लगेगी। अगेन जो कि है ये रेड कलर की साड़ी, आप लोग देखो और आप लोग कमेंट बताना कि अच्छा है या नहीं अच्छा है, ठीक है। तो ये पूरा शिफॉन का साड़ी है और इसमें वाइट वाइट ये फूल बना हुआ है और पूरा मतलब कि पूरा शिफॉन का साड़ी है। मैं इसे 2 से 3 4 बार पहनी हूँ, अगर मेरे पास फोटो है इसका तो मैं स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख लेना। और इसमें पूरा में है, ये पूरा में ही ऐसे है, पूरा में शिफॉन का साड़ी है और ये मुझे पड़ा है 3000 समथिंग, हाँ 3000 का ये साड़ी मुझे पड़ा है और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जी हाँ। और ये पूरा में ऐसे ही है, आप लोग देखो सी, इसमें कुछ हल्का हल्का स्टोन टाइप का लगा हुआ है और कुछ नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा था तो मैं इसे ली हूँ और ये मैं फर्स्ट बार पहनी थी अपने तीज के दिन, जी हाँ मैं अपने तीज के दिन ये साड़ी पहनी थी। फर्स्ट बार जब तीज मैं की थी तब ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था तो मैं ली थी। अगेन इसके साथ ब्लाउज भी सेम है, इसी के साथ ये हल्का में आप रेगुलर यूज तो नहीं कर सकते हो लेकिन कभी कभी यूज कर सकते हो। और रेगुलर यूज का मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो साड़ी आप रेगुलर यूज के लिए इसका साड़ी, ये साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है, पूरा देखो आप लोग इसका सी। और पता है सबसे ज़्यादा इसका वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि ये खराब हो जाए, नहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका सबसे ज़्यादा बारीक वर्क है इसका, ये आप लोग देख लो, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। और इसका मैं आप लोग को दिखाती हूँ पूरा खोल के, ये देखो बहुत सुंदर साड़ी है, देख लो आप लोग, है ना। और इसका ब्लाउज भी सेम इसी की तरह है, बहुत सुंदर है। मैं इसका फोटो भी साइड में मेंशन कर दूंगी, इधर मेरी आगे ही है बेटी बदमाशी करने के लिए, इसका भी मैं फोटो मेंशन कर दूंगी। ये भी मुझे पड़ा है साड़ी 2100 या 2200 समथिंग, आप लोग के इधर बताना प्राइस साड़ी का कितना रहता है। मेरे इधर तो बस यही सब चलते रहता है, 2000 से ऊपर ही रेंज का साड़ी अच्छा मिलता है और नीचे तो नहीं मिलता है, जी हाँ। अगेन मैं आपको दिखाती हूँ हल्का में, हल्का में ये ग्रीन कलर की साड़ी बहुत सुंदर है, काई ग्रीन है और इसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एकदम पूरा देखो जर्जट कपड़ा है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ इसका वर्क देखो। मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रही हूँ ना कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और मैं आपको अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखा पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने का मन भी नहीं करेगा और स्किप कर दोगे आप लोग। तो इसका बारीकी बॉर्डर बहुत सुंदर है और इसमें पूरा देख रहे हो हल्का हल्का, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, आप लोग बताना क्या कहते हैं। इसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगेन मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ, आप लोग देखो इसका खोल के मैं दिखाती हूँ, ये देखो पूरा में इसका ये आंचल है, ये पूरा में ये साड़ी में वर्क है, जी हाँ पूरा में वर्क है, देखो बहुत सुंदर साड़ी है। और ये पूरा काई कलर का जो ग्रीन आती है ना वैसा साड़ी है। और ये मुझे पड़ा है, ये मुझे बहुत कम का पड़ा था, 800 या 900 का पड़ा था। इसका ब्लाउज ये है, इसका अगेन मैं इसका ब्लाउज दिखाती हूँ, ये देखो इसका ब्लाउज कुछ इस कंडीशन में था, पीछे में वर्क है और बाजू में भी वर्क है। और ये सारा मेरा ब्लाउज स्टिच मेरी माँ करती है, जी हाँ मेरी माँ टेलर है,
तो अच्छे तरीके से मेरा ब्लाउज प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से वो सिल देती है। अगेन मैं आपको दिखाती हूँ अच्छी और बेस्ट साड़ी, जो कि ये ब्लू कलर की साड़ी है। आप लोग बताना कमेंट में ये कैसा साड़ी है। ये है पूरा शिफॉन का साड़ी, जी हाँ। और शिफॉन में इसका कपड़ा ये कपड़ा बहुत ही अच्छा है, और मैं से हाल ही में पहनी थी और इसे मैं लॉन्ड्री वॉश करवाई हूँ, तो आप लोग देखो टैग वगैरह सब लगा हुआ है। और इसमें ये फ्लावर बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये मुझे पड़ा था 2500 का, जो कि मैं ली थी पटना के खेतान मार्केट में, जी हाँ। और इसका दाम आप लोग बताना कि रेंज कैसा था, कैसा है इसका, ज़्यादा पड़ गया या कम पड़ा मुझे। और इसका शायद हाँ इसका उतना ही था, ठीक है। और अगेन मैं आपको दिखाती हूँ इसका ब्लाउज, तो इसका ब्लाउज भी मेरी माँ ही स्टिच की है। इसका इसका मैं प्यारा सा लटकन लगाई हूँ, हाँ इसका मैं प्यारा सा लटकन लगवाई हूँ। और ये बाजू में कुछ ऐसे ही वर्क है थोड़ा सा बस, और इसका बाजू में वर्क है। और ये भी बहुत ज्यादा सुंदर साड़ी है अगेन, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ अच्छी अच्छी साड़ी। और अगेन अगेन मैं दिखाती हूँ आप लोग को ये इतना सुंदर साड़ी। मैं इसका फोटो पर्सनली आप लोग को शेयर करूंगी, इसकी स्क्रीन शॉट मेंशन करूंगी। जब मेरे बेटा का फर्स्ट बर्थडे था तब मैं ये साड़ी पहनी थी, और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये दो कलर में साड़ी है, इसका बदमाशी लगा है, अभी इसको पिट्टी लगेगी, इसको पिटाई करेंगे हम। हंस रही है अभी, जब भी मैं कुछ करूंगी ना काम तो ये जरूर आ जाएगी, पर क्या करें। यहाँ के बैठो, यहाँ के आओ। ये गई थी बदमाशी करने ऊपर में, ये देख लो जरा, ये साथ में ये भी मेरे साथ वीडियो बनाएगी। तो ये दो कलर में है साड़ी, एक ऑरेंज में, और ये ऑरेंज ही आप लोग बोलोगे, और ये ब्लैक है, ये ब्लैक है इसका भी। ये भी बहुत ज्यादा सुंदर साड़ी है, बहुत ज्यादा सुंदर साड़ी। ये मुझे 1700 से 1800 में पड़ा है, जी हाँ। और ये भी बहुत सुंदर साड़ी है। अगेन मैं आप लोग को दिखाती हूँ नेक्स्ट साड़ी। पता नहीं अब मैं वीडियो बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, इतना ही बदमाशी करती है। अच्छा ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो। हाँ इसका ये साड़ी का जो भी ब्लाउज दिखाई थी मैं, ये है ब्लाउज ब्लैक कलर का, बॉर्डर में कुछ इस तरीका का है। अगेन और मैं दिखाती हूँ आप लोग को, ये है ग्रे कलर का साड़ी, जी हाँ ग्रे कलर का साड़ी। ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत सॉफ्ट है और बहुत हल्का में साड़ी है, आप लोग रेगुलर यूज कर सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि आप लोग अपना रेगुलर यूज कर सकते हो साड़ी। हैवी साड़ी रेगुलर यूज में नहीं आते हैं, जी हाँ। और मेरे पास क्या क्या कैसे कैसे साड़ी है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, सिल्क में और डोला सिल्क वगैरह बहुत सारी होती है। तो ये अगेन है ग्रे कलर का साड़ी, मैं इसके फोटो साइड में मेंशन कर दूंगी, एक मिनट देख लो इसे। तो इसका मैं ब्लाउज, इसका ब्लाउज पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगेन उसके बाद मैं सबसे अलग सबसे हट के आपको साड़ी दिखा रही हूँ, ये है लक्ष्मीपति का साड़ी, जी हाँ। और इसका भी फोटो मैं मेंशन कर दूंगी, ये है इसका बॉर्डर है रेड कलर का, और ये है येल्लो कलर का साड़ी। इसका आंचल मैं दिखाती हूँ, आंचल इसका कैसा है, आंचल कुछ इस तरीके का है, इसमें थोड़ा बहुत वर्क है, और आंचल कुछ चुंदरी टाइप पड़ रहा है। इसका ब्लाउज सेम है, और ये मुझे लक्ष्मीपति का साड़ी है, ये मुझे 1800 से 1900 में पड़ा है ऐसे ही कुछ। और ये साड़ी साड़ियाँ मेरी, जी हाँ
ऑफलाइन है। जी हाँ, ये सारी साड़ियाँ मेरी ऑफलाइन है, मेरा मन किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। सोची कि चलो मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। ये है मेरा फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट जो समझ लो, और थर्ड पार्ट मैं बहुत जल्दी लाऊंगी। और भी मैं पार्टीवेयर साड़ियाँ आप लोगों के साथ शेयर की थी, सॉरी हाँ शेयर की थी, अगेन अगेन शेयर की थी आप लोग को, आप मेरे जाके देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। और बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मैं आप लोग के साथ शेयर की थी, अगेन आप लोग देख लो, अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो मैं आपको दुकान का पता बताऊंगी, जो दरभंगा से है मैं उसको दुकान का पता बताऊंगी, वहाँ से जाके ले सकते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, और बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। ये मुझे वीडियो बनाने देती नहीं है। जी हाँ, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और ढेर सारा प्यार देना मुझे, ढेर सारा सपोर्ट देना। इसके वजह से मुझे गुस्सा गुस्सा आ रहा है। चलो अच्छा चुप, ठीक है, इसके वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, शांत से बैठेगी नहीं या कोई काम करने देगी नहीं। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं वीडियो को करती हूँ यही एंड, क्योंकि ये जगी हुई और मुझे वीडियो बनाने देगी नहीं। तो मिलूंगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। अगर इसका बदमाशी आप लोग को देखना है ना तो मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा करिएगा, कितनी बदमाश करती है, कितनी बदमाश है ये लड़की, बहुत गंदी लड़की है, बहुत बदमाशी करती है, देख लो। और इसका नाम है आराध्या। अपना नाम बताओ अपना नाम, बोलो आराध्या। ये अपना नाम भी नहीं बताएगी, बहुत बदमाश लड़की है ना, देख लो क्या होगा, इसे कुछ ना कुछ होते रहता है। तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में।